और उन गुरुकुलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी क्या करेंगे आगे चल करके, उनका किस प्रकार का भविष्य होगा और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या है। और इसके साथ साथ आपने गुलाटी जी ने मेरे से पूछा, अभी जब मैं स्टेज पर आ रहा था आपके आदेश से, तो आप यहाँ पर किस निमित्त आए अमेरिका के अंदर, तो मैंने अपना स्पष्ट उद्देश्य इनको दो शब्दों में कह दिया और मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, ईश्वरदेव दयानंद ने 24 ग्रंथ लिखे और उन 24 ग्रंथों में जो मुख्य करके 3 ग्रंथ सब आयुष्मानी ग्रंथ के, नंबर 1 सत्यार्थ प्रकाश, नंबर 2 ऋग्वेदा की भाष्य भूमिका, नंबर 3 संस्कार विधि। बाकी और जो वेदांग प्रकाश और छोटी बड़ी जितनी भी पुस्तकें हैं वो सब आपके घरों में आपकी अलमारी की शोभा हैं, और कुछ भाई बहन तो उनको कंठस्थ किए हुए भी हैं। और वेद भाष्य तो एक ऐसी अमूल्य निधि है जो कि 5000 वर्ष के बाद में ऋषियों की परंपरा में ये पहला वेद भाष्य है। तो मैं आज आपको संस्कार विधि, सत्यार्थ प्रकाश और भाष्य भूमिका को लेकर के थोड़ी सी चर्चा इस रूप में करना चाहता हूँ कि ऋषि ने किस बात के ऊपर बल दिया है। ऋषि ने गांव वर्णाश्रम व्यवस्था के ऊपर बल दिया है और अन्य अनेक व्यवहारिक बातों को लेकर के ऋषि चले, तो उन्होंने अपने ग्रंथों में पृष्ठ पेशन कहीं पर भी नहीं आने दिया, परंतु एक बात को अनेक बार यदि कहा है तो आर्ष परंपरा, गुरुकुल ये परंपरा और गुरुकुल ये पाठ्यक्रम के ऊपर उन्होंने दबाव दिया। सत्यार्थ प्रकाश का तीसरा संदास आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि बच्चा जब बोलने लगे और वो पढ़ने लगे तो उस समय किस प्रकार से माँ उस बच्चे का उच्चारण करवाए, किस प्रकार से वो बोलना सीखे, यहाँ से लेकर के वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर के और वेदों तक पढ़ने पढ़ाने का क्रम ऋषि ने लिखा। और अंत में एक पंक्ति लिखी ऋषि ने कि जितना ज्ञान इस विधि से 20 व 21 वर्षों में व्यक्ति प्राप्त कर सकता इतना ज्ञान अन्य प्रकार से 7 वर्षों में भी नहीं कर सकता। और अंत में लिखा कि आर्ष ग्रंथों का पढ़ना मानव बहुमूल्य मोतियों का पाना और अनार्ष ग्रंथों का पढ़ना मानव की खोदा पहाड़ और कोड़ी का दाग, ये ऋषि के शब्द हैं। तो इन बातों को लेकर के ऋषि दयानंद के बाद आने वाली पीढ़ी में जैसे महात्मा मुंशीरा बाल स्वामी श्रद्धानंद जी वाले, उन्होंने इस बात को मूर्त रूप दिया और गुरुकुल खोलने का एक निश्चय कर लिया। उपवरे गिरिनाम संगमे नदीनाम किया विप्रो अजायत इस वेदा के अनुसार कि पहाड़ों की कंदराओं में नदियों के किनारे पर शांत वातावरण में गुरुकुल बनना चाहिए, तो ऋषि ने लिखा उस पाठ विधि का, तो उन्होंने गुरुकुल बनाया। और आप जानते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी के सनातनों का, गुरुकुल कांगड़ी के विद्वानों का हर क्षेत्र में, चाहे वो आयुर्वेद का विषय हो, चाहे वो ज्ञान विज्ञान का विषय हो, चाहे वो व्यावहारिक विषय हो, चाहे वो वेद भाष्य का, कोई भी विषय आप ले लीजिए, गुरुकुल के सनातन हर क्षेत्र में आगे ही आगे रहे। तो इसके बाद फिर स्वामी दर्शनानंद जी और अन्य विद्वानों ने भी गुरुकुलों की श्रृंखला को एक रूप दिया। गुरुकुल किस प्रकार से बनते हैं, आज गुरुकुल बनाने का उत्साह तो बहुत लोगों में है, गुरुकुल बनाना चाहते हैं। मेरे पास 3 दिन पहले अमेरिका के एक स्थान से फोन आया कि हम यदि 3 एकड़ जमीन आपको दें तो क्या गुरुकुल बनाएंगे। मैंने कही कि बात कही कि गुरुकुल तो मैं बनाऊंगा परंतु आचार्य कौन बनेगा, क्योंकि उपनिषद का ऋषि कहता है कि आचार्य पूर्व रूप, ब्रह्मचारी उत्तर रूप, विद्या संधि प्रवचनम संधानम। जिस किसी भी शिक्षण संस्था में आचार्य पहले जाकर के बैठता है, आसन लगाता है और वह अपना आरंभ कर देता है पढ़ाना, और फिर ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, तो वो संस्थाएं पलती हैं, फूलती हैं, आगे बढ़ती हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल चला करके दिखलाया हम सबके सामने। आप इतिहास पढ़ते हैं
वह स्वयं अपने विद्यार्थियों को, अपने दो बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को लेकर के कांवड़ी के जंगल में हरिद्वार से आगे गंगा के किनारे पर जाकर के बैठे और उसके साथ साथ में दूसरे लोग आते रहे। विरोध और समर्थन तो दुनिया में हर जगह हुआ। वो भी जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की बात कहते थे उस जमाने में, तो कुछ व्यक्ति कहा करते थे कि नहीं, इस मुंशी राम का दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया है, तुम इसके चक्कर में मत आना, अपने बच्चों को जंगल में मत भेजना। तो इस प्रकार से विरोध को सहन करते हुए भी उन्होंने गुरुकुल चढ़ा के दिखाया और उस गुरुकुल के उन स्नातकों ने बहुत बड़े बड़े काम किए। तो मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ कि ऋषि की इन बातों पर हमें विश्वास जरूर रखना चाहिए कि आचार्य पूर्ण रूप बन करके यदि वो पढ़ाता है और गुरुकुल आरंभ करता है और ब्रह्मचारी फिर उसके सामने आते वो प्रवेश करता है और फिर विद्या दोनों को मिलाने वाली होती है और उसका उद्देश्य वेद प्रचार होता है तो सफलता अवश्य मिलती है। परंतु आज समस्या क्या है कि हम आचार्य का चयन बाद में करते हैं, ब्रह्मचारियों को प्रति पहले करते हैं और भवन बन जाते हैं, जमीनें आ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, परंतु आचार्य नहीं मिलता। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ मेरे सामने बड़े पुरुष व्यक्ति बैठे हुए और उस आयु के बैठे हुए जिनको वानप्रस्थ, जिनको संन्यास और जिनको घर बार के मोह से थोड़ा ऊपर उठ करके समाज के हित के लिए, विद्या और धर्म की उन्नति के लिए, प्रचार और प्रसार के लिए मैदान में आना चाहिए और गुरुकुली शिक्षा प्रणाली को महत्व देना चाहिए। मैं आज एक बात करना चाहता हूँ, गुलाटी जी कह रहे थे कि आपके विद्यार्थी क्या करेंगे, उस जमाने में उन विद्यार्थियों ने क्या किया था जिसमें कोई मान्यता नहीं थी। आज तो परमात्मा की कृपा से इस देश में आप हम रहते आए रह रहे भारत में, चाहे भले हम यहाँ आए हुए हैं, परंतु जिस भारत भूमि पर आज आप हम रहते हैं वहाँ आज इस चीज़ की कीमत है, इस चीज़ को समझा जा रहा है। और निश्चित है कि यदि हर क्षेत्र में यदि सफलता आपने देखनी और प्राप्त करनी है तो गुरु का ब्रह्मचारी पीछे नहीं रहता। आज का BA, MA, PhD, डिग्री कुछ भी उपाधिधारी है, कितना भी उसने विज्ञान पढ़ा है, पर यदि जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है तो अंत में आत्महत्या करके। और गुरुकुल के ब्रह्मचारी का आप कोई उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर सकते कि उसने वेद, दर्शन, उपनिषद पढ़ा हो और पढ़ने के पीछे उसने आत्महत्या की, आत्मग्रानी उसके मन में आई, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। तो इसलिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हर प्रकार से ग्राह्य है, हर प्रकार से सेवनीय है, हर प्रकार से उपयोगी है, मानव जीवन को आगे बढ़ाने वाली है। और आज का जो विज्ञान है, जो संस्कृत के बिना पढ़ते, वेद के बिना पढ़ते, आज ने आशित जी अभी बहुत कुछ विज्ञान को समझा रहे थे, बतला रहे थे। आशित जी को तो अंग्रेजी पर भी अधिकार है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, सब कुछ है। मैं अंग्रेजी नहीं जानता, परंतु इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ कि आज का जो विज्ञान है वो संहारक तो है, मारक तो है, परंतु बचाने वाला नहीं है। और गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली से अधीत व्यक्ति जो विज्ञान को लेकर के चलेगा तो जहाँ संहारक होगा शत्रु के लिए, तो मित्रों के लिए रक्षक वर्णास्त्र का भी काम करेगा। आप महाभारत उठा करके पढ़े, रामायण को पढ़ करके देखें कि जहाँ आग्नेयास्त्र चलता तो वर्णास्त्र भी साथ साथ चलता था। आज हमारी जो चिकित्सा पद्धति है और यहाँ अधिक संख्या में कहना चाहूँगा इस हाल के अंदर अधिक संख्या में डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, कितने ही डॉक्टरों को मैं आज जानता हूँ, परंतु माफ करना यदि बात कोई गलत हो तो, पर मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि जब तक आयुर्वेद के ग्रंथों का सहारा हम नहीं लेंगे और ऋषि परंपरा का सहारा नहीं लेंगे, प्रणाली का सहारा नहीं लेंगे जिसके माध्यम से आयुर्वेद आदि पढ़ा जाता है, तब तक ये चिकित्सा पद्धति जो आज संसार ने अपना रखी है वो अधूरी है। उसकी पूर्ति यदि होगी तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से होगी, उसकी बढ़ोतरी, उसका यदि यश होगा तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से होगा। तो मैं आप सबके सामने बहुत अधिक न कहते हुए केवल इतनी बात, 3 मिनट का टाइम मेरे को इन्होंने आपको दिया है, मैं इतनी बात कहकर के विराम देना चाहता हूँ कि जैसे कि अंत में मैं कहूँगा
कि आपने पूछा कि आप क्यों आए, मैं लगभग चौथी बार इसमें आया हूँ, केवल अपील करने के लिए आता हूँ, सहयोग मांगने के लिए आता हूँ। कुछ हमारे भीतर कुछ सहयोगी भाई यहाँ इस देश में हैं तो उनसे सहयोग मांगने के लिए आता हूँ। गुलाटी जी पूछ रहे थे कि आपके गुरुकुल का खर्चा कितना है, मैंने कहा 1000 रुपया भारत का है महीने का। तो यदि कोई न दे सके तो मैं कहता हूँ आप जैसे लोगों से सहयोग लेता हूँ। तो वही प्रार्थना करने में आप सबके सामने आया भी हूँ, परमात्मा हम सबको शक्ति प्रदान करें और हम इस प्रणाली को आगे बढ़ाएं। ये प्रणाली बढ़ेगी, संसार सुखी होगा, संसार को शांति मिलेगी, संसार को आत्मविश्वास होगा, बल मिलेगा। और ये प्रणाली नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर तो यही है कि कितने भी पढ़ें, कितने भी विज्ञान सीखें, कितना कुछ भी सीखें, परंतु अशांति रहेगी। शांति यदि मिलेगी तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से मिलेगी, ज्ञान यदि मिलेगा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से मिलेगा, और यदि हमारी उन्नति होगी, समाज की सुधार का उपकार होगा तो प्रणाली से होगा। क्योंकि ऋषि स्वयं कहता है, उसको मैं नहीं कहता, उसको आप नहीं कहते, कि जितना ज्ञान और विज्ञान इस प्रणाली से 20 व 21 वर्षों में व्यक्ति सीख सकता, इतना ज्ञान 100 वर्षों में भी कोई नहीं सीख सकता। बस इन शब्दों के साथ आपने जो मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और परमात्मा हमें ऋषि के प्रति समर्पण की भावना को पैदा करें और हम इस प्रणाली को स्वीकार करें। मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि आपके छोटे छोटे विद्यार्थी, ये बहने जिनको वेद मंत्र बोलना मना किया था मध्यकाल में कुछ लोगों ने, आज वो बहुत अच्छा उच्चारण कर रही थी, बहुत अच्छे गीत गा रही थी, बहुत अच्छी संस्कृत गीतिका गा रही थी। तो ये सब जो ये प्रणाली है, ये जो आपका प्रयत्न है, ये उसी ओर बढ़ाने वाला है। आप थोड़ा सा और ध्यान दे करके इस प्रणाली को ऊपर ध्यान देंगे तो सारे संसार को सुख मिलेगा, सबको आध्यात्मिक शांति मिलेगी, और बिना संस्कृत के आध्यात्मिकता कई जैसे बताया कि हम आपसे अपील करने आए हैं कुछ सहयोग के लिए, गुरुकुल चलाने के लिए, तो वहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी देखा कि वो सहयोग के लिए आते हैं, सहयोग लेते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं अपील करते हैं? इतने बड़े बड़े जो लोग हैं बैठे हैं, केवल 1000 रुपया देकर के मुक्त हो जाते हैं, उनके बच्चे को गुरुकुल में क्यों नहीं भेजते, जो सबसे गरीब बच्चे को लेकर के लोगों से पैसा मांग करके। आपकी बात सबने सुन ली, अब समय ज्यादा नहीं लेना है। जो आप कह रहे हैं वो मैं भी कहता हूँ कि आप पैसा भी दे, अपना बेटा भी दे, अपना पोता भी दे, और मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी काशाय वस्त्र धारण करके, मुनि बन करके, सन्यासी बन करके इन संस्थाओं में बैठे। हमारी तो एक परंपरा थी कि गुरुकुलों में वानप्रस्थी और सन्यासी लोग पढ़ा करते थे, उपदेश दिया करते थे, ब्रह्मचारी पढ़ा करते थे, स्वामी दीक्षानंद महाराज कहते थे 8 और 60 साल घर छोड़ो और गुरुकुलों में बैठो, 8 साल का पोता पढ़ेगा और 60 साल का दादा पढ़ाएगा, तभी संसार का उपकार होगा। नहीं तो हम घरों में तो वैसे ही बैठे रहेंगे, खांसते रहेंगे, सर्दी जुकाम से रहेंगे।